नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र शर्मा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और VIP प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की वजह सामने आ गई है। पुलिस का दावा है कि ब्याज पर लिए गए पैसों के लेन देन में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पकड़े गए चार संदिग्धों से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। मंगलवार की शाम इसको लेकर पुलिस की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, इसमें जानकारी भी दी गई है। पुलिस का कहना है कि मृतक जीतन सहनी के घर के पास लगे CCTV कैमरे से जो फुटेज मिला है उसमें दिख रहा है कि रात के करीब 10:30 से 11 बजे के बीच चार लोग घर के अंदर घुस रहे थे। कुछ देर घर के अंदर रहने के बाद ये लोग बाहर निकल गए। इन लोगों को चिन्हित कर हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि मोबाइल डिटेल्स, पूर्व की हिस्ट्री, मृतक जीतन सहनी के साथ लेन देन, देर रात्रि में घर में जाने का कारण आदि बिंदुओं पर पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसके साथ साथ अन्य लोगों से भी इस बारे में जानकारी ली गई। अभी तक की जांच में यह पाया गया है कि इनसे दो लोगों ने जीतन सहनी से ब्याज पर पैसा उधार लिया था। चार लोगों में से एक ने अपनी बाइक जीतन सहनी के पास पैसे के बदले गिरवी रखी थी। ये लोग रात में इसे छुड़ाने की बात करने के लिए गए थे। इनमें से दो लोगों के साथ जीतन सहनी की 2 दिन पहले कहासुनी हुई थी। दोनों संदिग्ध को सबक सिखाने की धमकी दी गई थी। माना जा रहा है कि हत्या के पीछे का यही सब कारण है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी कई बिंदुओं पर जांच जारी है। बता दें कि मुकेश सहनी के पिता की लाश बीते मंगलवार की सुबह उनके घर के पास मिली थी। सोमवार की रात हत्या को अंजाम दिया गया था। पहले आशंका जताई जा रही थी कि लूटपाट और चोरी की नीयत से भी हत्या की जा सकती है। अब पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में बिहार पुलिस ने कल 2 लोगों को हिरासत में लिया था। इनसे कड़ी पूछताछ चल रही है। CCTV फुटेज की जांच के बाद दोनों संदिग्ध को पुलिस ने उठाया है। वहीं इस मामले में पटना से भी एक STF की टीम दरभंगा के लिए रवाना हो गई थी। DIG ने दावा किया था कि 8 घंटे के अंदर इस हत्या को अंजाम देने वाले पकड़े जाएंगे। दरभंगा के DIG बाबूराम ने जीतन सहनी की हत्या को लेकर बताया था कि वारदात को एक से ज्यादा हथियारों ने अंजाम दिया है। मेज पर 3 गिलास और कुछ कागज थे, जिससे पता चलता है कि एक से अधिक हथियार इसमें शामिल थे। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह दरभंगा के पैतृक घर में जीतन सहनी की शव उनके बिस्तर पर खून से सना हुआ मिला था। जीतन सहनी की बेहद निर्ममता से हत्या की गई थी और उनके पेट पर जख्म के गहरे निशान थे। उनकी हत्या इतनी धारदार हथियार से की गई थी कि पेट का आंतरिक हिस्सा भी बाहर निकल गया था। हालांकि पुलिस को घटनास्थल से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। इतना ही नहीं, हत्या के बाद जिस पहले व्यक्ति पवन सहनी ने उनका शव देखा था उनके मुताबिक पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था, अलमारी में सामान बिखरा हुआ था। इस मामले में दरभंगा ग्रामीण SP काम्या मिश्रा ने कहा कि ऐसा लगता है कि चोरी की वारदात नहीं हुई है। काम्या मिश्रा के नेतृत्व में आरोपियों को पकड़ने के लिए दरभंगा के SPSIT का गठन किया गया था, जिसमें 3 अफसर शामिल थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी .com। धन्यवाद।